हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ मैथ्स वर्कशीट, जो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम वर्ड्स में बच्चों को लर्न करवाते हैं। तो इसके लिए आप इस तरह की वर्कशीट बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिया है मैच इट। तो बच्चों को पहले नंबर्स आपने एक एक इस तरह से लिखवा कर लर्न करवाना है। आप इसके से ग्रुप्स बनाकर भी बच्चों को याद करा सकते हैं, FIVE 5, ऐसे दो दो ग्रुप बनाकर भी लर्न करवा सकते हैं। तो आप पहले फर्स्ट टू फाइव तक नंबर इन वर्ड्स उन्हें लर्न करवा दे, उसके बाद इस तरह की वर्कशीट आप ले सकते हैं। तो ये एकदम सबसे इजी है पहला स्टेप। यहाँ पर बच्चा इसे रीड आउट करेगा O N E 1, और यहाँ पर वन कहाँ है यहाँ से ऐसा उसे ढूंढ कर इस तरह से मैच करेगा। एक ये हो गया। सेकंड है सर्कल द करेक्ट नंबर। यहाँ पर बच्चा जो नंबर है वो पढ़ेगा FIVE 5 वर्ड्स में पढ़ेगा, और बाद में सही जो नंबर है उसे ढूंढकर इस तरह से सर्कल करेगा इस तरह। ये सेकंड वर्कशीट आप दे सकते हैं। उसी तरह थर्ड वर्कशीट में आप दे दीजिए कंप्लीट द मिसिंग अल्फाबेट। जैसे कि अगर वन की स्पेलिंग उसे अच्छे से लर्न है तो वो वन O N यहाँ लिखेगा E O N E 1, इस तरह से बच्चा कंप्लीट करेगा। ये हो गई थर्ड वर्कशीट। फोर्थ, राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स। अब यहाँ पर वो खुद से ही स्पेलिंग लिखेगा T W O 2, इस तरह से। और उसके बाद लास्ट में राइट द करेक्ट नंबर। अब यहाँ पर आपने स्पेलिंग लिख कर दे दी है, अब उसे यहाँ पर करेक्ट नंबर लिखना है FIVE 5। यहाँ बच्चा 5 इस तरह से राइट डाउन करेगा। तो पहले आप फर्स्ट टू 5 तक उसने नंबर्स लर्न करवा दे, उसके बाद इस तरह की वर्कशीट से अच्छे से प्रैक्टिस करवा दे, फिर उसके बाद 6 7 8 9 10 वो 5 नंबर्स की करवा दे, और फिर उसके बाद पूरे 10 नंबर्स की प्रैक्टिस आप ले ले। उसकी वर्कशीट भी मैं देने की कोशिश करूंगी। तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीड दिस नंबर T H R W 3। वेयर इज नंबर 3? वेरी गुड। नाउ रीड दिस नंबर F U Y R 4. There is 4. Very good. हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ मैथ्स वर्कशीट, जो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम वर्ड्स में बच्चों को लर्न करवाते हैं। तो इसके लिए आप इस तरह की वर्कशीट बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिया है मैच इट। तो बच्चों को पहले नंबर्स आपने एक एक इस तरह से लिखवा कर लर्न करवाना है। आप इसके से ग्रुप्स बनाकर भी बच्चों को याद करा सकते हैं, FIVE 5, ऐसे दो दो ग्रुप बनाकर भी लर्न करवा सकते हैं। तो आप पहले फर्स्ट टू 5 तक नंबर इन वर्ड्स उन्हें लर्न करवा दे, उसके बाद इस तरह की वर्कशीट आप ले सकते हैं। तो ये एकदम सबसे इजी है पहला स्टेप। यहाँ पर बच्चा इसे रीड आउट करेगा O N E 1, और यहाँ पर वन कहाँ है यहाँ से ऐसा उसे ढूंढ कर इस तरह से मैच करेगा। एक ये हो गया। सेकंड है सर्कल द करेक्ट नंबर। यहाँ पर बच्चा जो नंबर है वो पढ़ेगा FIVE 5 वर्ड्स में पढ़ेगा, और बाद में सही जो नंबर है उसे ढूंढकर इस तरह से सर्कल करेगा इस तरह। ये सेकंड वर्कशीट आप दे सकते हैं। उसी तरह थर्ड वर्कशीट में आप दे दीजिए कंप्लीट द मिसिंग अल्फाबेट। जैसे कि अगर वन की स्पेलिंग उसे अच्छे से लर्न है तो वो वन O N यहाँ लिखेगा E O N E 1, इस तरह से बच्चा कंप्लीट करेगा।
ये हो गई थर्ड वर्कशीट. फोर्थ, राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स. अब यहां पर वो खुद से ही स्पेलिंग लिखेगा, टी डब्ल्यू ओ टू, इस तरह से. और उसके बाद लास्ट में राइट द करेक्ट नंबर. अब यहां पर आपने स्पेलिंग लिख कर दे दी है, अब उसे यहां पर करेक्ट नंबर लिखना है, एफ आई वी ई फाइव. यहां बच्चा फाइव इस तरह से राइट डाउन करेगा. तो पहले आप फर्स्ट टू फाइव तक उन्हें नंबर्स लर्न करवा दे, उसके बाद इस तरह की वर्कशीट से अच्छे से प्रैक्टिस करवा दे, फिर उसके बाद सिक्स सेवन एट नाइन टेन वो फाइव नंबर्स की करवा दे, और फिर उसके बाद पूरे टेन नंबर्स की प्रैक्टिस आप ले ले. उसकी वर्कशीट भी मैं देने की कोशिश करूंगी. तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. रीड दिस.